दोस्तों, मैं हूँ शालिनी और आप आए हैं शालिनीज किचन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी, जिसे आप सिर्फ 2 मिनट में बना सकते हैं और ये बच्चों की हेल्दी वेट गेन और ओवरऑल डेवलपमेंट पे बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल शालिनीज किचन को और इस बेल आइकन पे क्लिक करें और देखें मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, इस हेल्दी वेट गेनिंग रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप में मैंने एक पैन ले लिया है, जिसे मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा है। साथ में मैंने ऐड कर दिया है घी। घी आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल लिटिल क्वांटिटी में घी ले ली है और घी के मेल्ट होते ही मैंने इसमें डाल दिया है 2 टीस्पून के करीब मल्टीग्रेन आटा। आप चाहें तो इसकी जगह नॉर्मल आटा भी यूज कर सकते हैं या आप चाहें तो इसकी जगह ओट्स भी यूज कर सकते हैं। इसे लगातार चलाते हुए हम लो फ्लेम पे 1.5 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। दोस्तों, आटे को भूनते टाइम आप इसे बिल्कुल भी अनअटेंडेड ना छोड़े, अदरवाइज ये जलने लगेगी और या अनइवनली कुक होगी। तो इसे आप लगातार चलाएं और वीडियो में दिखाए गए तरीके से लगातार चलाते हुए आप आटे को अच्छे से कुक कर लें, सो दैट बच्चों को डाइजेस्ट करने में आसानी होगी। 2 मिनट के बाद आटे से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। आटा हमारा बढ़िया कुक हो गया है, तो अब मैंने फ्लेम को कर दिया है बंद और इसे इमिडिएटली एक प्लेट में निकाल लीजिए। अगर आप आटे को पैन में रहने देंगे तो आटा जलने लगेगी। तो इस तरीके से आप इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए और इसे बिल्कुल ठंडा होने दें। अगले स्टेप पे मैंने एक छोटी ब्लेंडिंग जार ली है, जिसमें मैं डाल रही हूँ केला। केले को मैंने छील के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। छोटे टुकड़ों में काट ले, इसे इसे पीसने में आसानी होती है। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ आटा, जिसे हमने पहले भून लिया था। फिर मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट पाउडर। इसकी रेसिपी मैंने पहले अपने चैनल पे शेयर की है, आप इसकी लिंक यहाँ आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। इसे भी बनाना बहुत ही आसान है और ये बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट पे बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है दोस्तों। तो आप मेरी ड्राई फ्रूट पाउडर वाली रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और आप इस रेसिपी में ड्राई फ्रूट पाउडर को जरूर ऐड करें। इससे बच्चों के हेल्दी वेट गेन में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है। नेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ दूध, जिसे मैंने बॉयल कर लिया है और ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है। दूध की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रखिए, जैसी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसमें दूध ऐड करें। मैंने इसमें 1/4 कप से भी कम दूध ऐड किया है। चलिए इसे ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी ये हेल्दी वेट गेनिंग रेसिपी बिल्कुल 2 मिनट में बनके तैयार है। आप इसे बच्चों को ब्रेकफास्ट में, लंच में या डिनर में खिला सकते हैं और इसमें हमने जो भी चीज़ें ऐड की हैं उन सबसे बच्चों को एक बहुत ही बढ़िया पोषण मिलती है, जो कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और ये एक हेल्दी वेट गेनिंग रेसिपी भी है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की हेल्दी वेट गेनिंग वाली रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको हेल्पफुल लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।